हमें प्लीज माफ कर दीजिए मैम, हम कैसे करके नहीं करेंगे मैम। हम आपकी सारी बात मानने को तैयार है मैम। तो पहले क्यों नहीं मानी? मेरे अनुशासन के नियम को भंग क्यों किया? जानते मेरे अनुशासन के चार नियम क्या है? मैं चोरी नहीं करना, और शॉर्ट्स और छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनना, और बॉयफ्रेंड्स को कैंपस से बाहर रखना, और अगर हॉस्टल के बाहर कोई चला जाए तो उसके अटेंडेंट से प्रॉक्सी नहीं करना मैं। नियम तो तुम्हें सब याद है लेकिन पालन कभी नहीं किया। सलमा, जब गीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी तो तुमने उसके अटेंडेंस में हाजिरी क्यों लगाई? और गीता, तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहन के क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत मॉडर्न हो? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती मैम, मैं तो आपसे माफी मांग रही हूँ। माफ तो मैं तुम दोनों को कर सकती हूँ। थैंक्स मैम। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। यस मैम। हम आपके सारे नियमों का पालन करने के लिए तैयार है मैम। तो फिर अभी टेरेस से नीचे कूद जाओ। प्लीज मैम, कूद जाओ मैंने कहा। सारे गवाहों और बयानात सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वार्डन मिसेस शीला अनुरागी ने जानबूझकर सलमा और गीता नाम की दो लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल के टेरेस पर से धक्का दिया और उनकी जान ली। ऐसा घोर अपराध करने के जुर्म में ये अदालत उन्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। She is to be hanged till death। चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे मार डालो, लेकिन मेरे असूल मेरे मौत के बाद भी जिंदा रहेंगे। तुम मुझे तो मार सकते हो लेकिन मेरे अनुशासन को नहीं। मेरे अनुशासन हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा। उसे कभी नहीं मार सकोगे, कभी नहीं मार सकोगे। अभिषेक, तुम वॉचमैनों के लिए चोरों की तरह किधर भाग रहे? घर जा रहे हैं ना, घर। अच्छा हाँ। तो ये क्या है? कुछ ना है? दिखाओ 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 दिखाओ। देख बहादुर, इस समय लाखों का जेवर है, वो जो पुरानी वार्डन है ना उसके कमरे से ला रहे हैं। इसका मतलब हाँ। तुमने चोरी की और ये बात तुम एक वॉचमैन को बता रहे हो? भाई तुमको पुलिस का हवाले कर दूंगा। क्या पुलिस का हवाले करेगा तू? पुलिस का हवाले करके हमको काम मिलेगा, तुमको कोई फायदा होगा? देखो तुम्हारा साथ दोगे ना तो इसमें से आधा माल हम तुमको दे देंगे। आधा? हाँ आधा। बोल। मुझे बहुत डर लगता है, हम लोग पकड़े गए तो? अरे कहाँ पकड़े जाएंगे? अरे जब रखवाले चोरी करेंगे तो किसी को कहाँ पता चलेगा? लेकिन लेकिन कहाँ, इसमें लाखों का माल है, लाखों का। और तुमको पुराने वार्डन का नियम नहीं मालूम है चोरी नहीं करने का? अरे मर गई वार्डन, मर गया नियम है? देख अमीर आदमी बनने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। चल चल, हमारे साथ सोच कर रहा है, इसमें से आधा माल हम तुमको दे देंगे। अरे बहुत माल है हमारे पास रे, आधा आधा बांट लेंगे ना तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देख अरे ऊपर वाला जब भी देता है ना एकदम छप्पो फाड़ के लेता है। ये देख दुकानदार हमारा और ये दुकानदार तेरा। मुझे तो बहुत डर लगता है, हम लोग पकड़े जाएंगे, इसको वापस कर देंगे। चुप, पकड़े जाए कहाँ पकड़े जाए, मर डर। अरे जो मर गया सो मर गया। लालच ने मुझे मेरी शक्ति दे दी। मुझे शक्ति इसलिए मिली है क्योंकि तुम लोगों ने मेरे जेवरात का डब्बा
बाहर लाया है। जब जब मेरी कोई भी चीज मेरे कमरे से बाहर आएगी तब तक मेरी आत्मा को शक्ति मिलती रहेगी। चल चल बेल बज गई है, चलो चल चल, कोई नहीं कोई नहीं, चल चलो चल। माय गॉड, अगर हम लोग पकड़े जाते तो क्या होता? कोई फांसी पे तो नहीं चढ़ाता ना? एक्सक्यूज मी किरण, लेकिन तेरी ओवरस्मार्टनेस की वजह से हम लोग ऑलमोस्ट पकड़े गए थे। यू जस्ट शट अप, ओके? थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि अटेंडेंस बेल बज गई, वरना हम सब लोग रेस्टिकेट हो जाते साथ में। हुए तो नहीं ना, बज गए ना? आई नो, हुए तो नहीं ना, बज गए ना? आई नो, बज गए ना। किरण की चमची, जस्ट शट अप। ए, मैं इसकी कोई चमची वमची नहीं हुआ, बस ग्रुप के अंदर उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। चुप करना यार, क्या ग्रुप ग्रुप करती रहती है? वैसे भी हमारे ग्रुप की ना कटने वाली है। उस ग्रुप का डांस देख लेना तुम लोगों ने। हाँ यार, डांस बहुत अच्छा है। आई थिंक इस बार का प्राइज उन्हीं को मिलेगा। She's such a loser, यार। Yeah, right. Ruby, तू बता, बाकी उनका आइटम बहुत अच्छा है क्या? हाँ यार, बहुत अच्छा है। और उन लोगों ने अपने गानों का एक रिमिक्स कैसेट भी बनाया है। आइडिया तो बहुत मस्त है ना? Shut up, Mona. अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा है तो तुम लोग मुझे क्यों डांट रहे हो? इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा ठीक है मोना, ठीक है, पहले हम लोग जाके अटेंडेंस दे देते हैं, बाद में सोचेंगे कि करना क्या। ओके, इज दैट फाइन? अरे सॉरी, तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। और सुनो, मेरी प्रॉक्सी लगा देना। चलो, मैडम तो चली गई, अब उनके ऑर्डर के हिसाब से हम उनकी प्रॉक्सी भी लगवा देते हैं, सिंपल। एक बात बता, तू किरण से इतना जलती क्यों है? एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो बहुत डोमिनेटिंग है। हाँ, जैसे तू डोमिनेटिंग नहीं है, बस तुझसे थोड़ी ज्यादा डोमिनेटिंग है। छोड़ना यार रूबी, वैसे भी मैं किरण को अपनी फ्रेंड नहीं मानती। ओके, हे गाइस, मुझे अपने झगड़े में शामिल मत करो प्लीज। इसका मतलब तू भी किरण को अपनी फ्रेंड नहीं मानती है? मैंने ऐसा कब कहा? मेरे लिए तुम सब बराबर हो। ओके ठीक है, देन प्रूव इट, साबित कर। व्हाट डू यू मीन बाय प्रूव इट, साबित कर? यू की पार्ट ऑफ दिस, प्रूव करके तू किरण की फ्रेंड है। कैसे? उसकी प्रॉक्सी लगाकर। ना बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। होना, रहने दे, इसके बहकावे में मत आना। इसे प्रॉक्सी नहीं लगवानी ना, इसलिए तुझे सोच ले, किरण को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा बाबा, लगा दूंगी। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम।
गॉड, हमने छिपकर डांस देखा, प्रॉक्सी अटेंडेंस थे और पकड़े भी नहीं गए। बाय द वे गाइस, उनका डांस है बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से इस बार उन्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। हम लोगों को ना उनसे भी अच्छा प्रोग्राम तैयार करना होगा। हाँ, लेकिन ये तब होगा जब किरण को आकाश से छुट्टी मिलेगी। तू क्या दिन भर किरण किरण करती रहती है? तुझे क्या लगता है हम किरण के बगैर डांस नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट पायल, तू किरण से अच्छी डांसर तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, किरण मुझसे अच्छी डांसर? माय फुट। पायल, किरण सोलो डांस कर रही है, तू भी सोलो डांस करके देख ले, मालूम पड़ जाएगा। सिंपल। मुझे सोलो डांस नहीं पसंद, आई बिलीव इन ग्रुप डांस। हाय गाइस। हाय। तुम लोगों ने मेरा अटेंडेंस लगा दिया ना? हाँ बाबा, मैंने लगा दिया है। मोना, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, और मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ? रूबी, तू भी है ना, तू तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। हेलो। ये बकवास बंद करें हम, और ये डिसाइड करते हैं कि एनुअल फंक्शन पर करना क्या है। पायल, एनुअल डे पे क्या करना है ये मैं बाद में डिसाइड करूंगी, पर एक बात तो तय है कि एनुअल डे पर हमारी दुश्मनों की टोली कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि उनका म्यूजिक कैसेट मैंने उड़ा लिया है। फंटास्टिक। मतलब ये कि जिस कैसेट पर वो डांस करते हैं वो कैसेट मेरे पास है। तुमने चोरी की? हाँ, तो? Oh God, very bad, किरण, very bad. ए, इसमें बैड क्या है? जो कि हमारे ग्रुप के लिए किया ना, जिसे उनका प्रोग्राम फ्लॉप और हमारा हिट हो जाए। That's right, Ruby. तू आकाश से मिलने नहीं गई थी? Sense, पायल, ये कचर उड़ाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने उसे फोन कर दिया कि मैं एक घंटे बाद आऊंगी। राइट। और अगर उन लोगों ने कंप्लेन कर दी और हमारे रूम की तलाशी ली गई तो ऑफ कोर्स कसर तो हमारे रूम से ही मिलेगी, है ना? पायल, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ये बात मेरे ध्यान में है और मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पर हम ये कसर छुपाएंगे। अच्छा, कहाँ? रूम नंबर 6 में। वही पुरानी गार्डन वाले रूम में? यस, उसे भूतों वाला कमरा समझकर कोई उसे खोलेगा नहीं। करेक्ट। ना बाबा, आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। कसर छुपाएंगे तो हम वही। चलो। यहाँ पे कोई नहीं है, मैंने यहीं पर देखा है किसी को जाते हुए, वो लोग यहीं से भाग रहे। कोई आया, जल्दी करो। चलो देखते हैं अभी आगे। चलो। कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी चीज को हाथ लगाया या यहां से बाहर ले गए तो वार्डन की आत्मा को शक्ति मिलती और वो उसे सजा देता है, समझे? तो शट अप किरण, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। ओके? और किरण, अगर तू ये सब जानती थी तो हमें यहाँ क्यों लेकर आई? जस्ट रिलैक्स मोना, कुछ नहीं होगा, जब तक हम यहाँ से कुछ ले नहीं जाते वी आर सेफ। डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा यार, जस्ट रिलैक्स। डरपोक।
एक मिनट, एक मैडम आप ये बताइए कि मरने के बाद आप कैसा महसूस कर रही है? किरण तू पागल हो गई। जी शराब प्या। मैं मरी नहीं, मैं वापस आऊंगी। मैडम आपका ये मानना कि आपके नियम हमेशा जिंदा रहेंगे, पर देखिए हम तो आपके नियम हर रोज तोड़ते हैं। टूबी ने शॉर्ट्स पहने और मोना ने आज मेरी प्रॉक्सी लगाई और शॉर्ट्स भी पहने हैं, और मैंने आज कसेट चोरी की, और पायल पायल तो हर रोज एक नियम तोड़ती है। तो इसके बारे में आप क्या कर रही है? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन मुझे तुम चारों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगी। बहुत हो चुका यार, अब चलो यहाँ से। वो लोग चले गए होंगे। हाँ चल यार, वरना इसका तो यही हार्ट फेल हो जाएगा। चल वो चलो। अच्छा हुआ ये लोग चले गए। थैंक गॉड हम लोग उस कमरे से बाहर तो निकले, मुझे तो बहुत डर लग रहा था यार। आई नो। अरे एक मिनट, ये पायल कहाँ रह गई? अरे पायल कहाँ रह गई थी तू? कहीं नहीं यार, लेट्स गो। शीतल की बर्थडे पार्टी में जाना है। तुम लोग चलो, मैं आकाश से मिलकर आती हूँ। और मैं नहा कर आती हूँ। हाँ मेकअप किए बगैर तो तू सोने भी नहीं जाती। चलो यार बाय। बाय। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।